पोस्टबुक्स में बिल ऑफ सप्लाई का डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको सेल्स मॉड्यूल में जाना है, इनवॉइस सेक्शन में जाना है। राइट साइड में इनवॉइस आइकन पे क्लिक करके ड्रॉप डाउन में से आपको बिल ऑफ सप्लाई वाले आइकन पे क्लिक करना है। क्रिएट बिल ऑफ सप्लाई वाला पेज आपके स्क्रीन पे ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले कस्टमर सिलेक्ट करना है। कस्टमर सिलेक्ट करने के बाद जिस आइटम को आप सेल करना चाहते हैं वो आइटम आपको सिलेक्ट करना है। सिंस ये बिल ऑफ सप्लाई में आप निल एग्जेम्प्ट या नॉन जीएसटी वाले आइटम ही एंटर करते हैं, तो आइटम सिलेक्ट करने के बाद आइटम टेबल के अंदर ही निल एग्जेम्प्ट वाले कॉलम में आपको सिलेक्ट करना है कि आइटम निल रिलेटेड है, एग्जेम्प्ट है या नॉन जीएसटी है, आपको ये सिलेक्ट करना है। अगर आप चाहें तो आइटम क्रिएट करते टाइम आइटम मास्टर में ही पहले से डिफाइन करके रख सकते हैं कि वो आइटम निल रिलेटेड है या फिर एग्जेम्प्टेड है या नॉन जीएसटी है। तो इससे क्या होगा कि जब आप आइटम को इनवॉइस में सिलेक्ट करेंगे बिल ऑफ सप्लाई बनाते टाइम, तो आपको ये निल रेट एग्जेम्प्ट वाला कॉलम सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा। तो ये सब करने के बाद आप अप्रूव वाले आइकन पे क्लिक करके अपने बिल ऑफ सप्लाई को सेव कर सकते हैं।